Good morning, students. Welcome back to the SGPSS online classes. Today, I am taking the class of class 6 Social Science, chapter 1 The Earth in the Solar System. This is our book of essays in class 6 Irish First Post. I hope you all have purchased this book. Now, आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर वन चैप्टर वन द अर्थ इन द सोलर सिस्टम द अर्थ यानि पृथ्वी इन द सोलर सिस्टम सौरमंडल में इट मीन्स इन दिस चैप्टर इट इज़ एक्सप्लेन कि हमारी जो अर्थ है सोलर सिस्टम में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है इसके अलावा वाट इज़ यूनिवर्स वाटर कॉन्सलेशंस वाटर स्टार्स वाटर सेटेलाइट प्लेनेट एंड मैनी मोर थिंगस

इफ़ यू लुक एट द स्काई यू विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स यदि आप आसमान की ओर देखोगे तो आपको कई तरह की चीज़ें दिखाई देंगी जैसे कि ड्यूरिंग द डे यू कैन सी द सन डे टाइम में आपको सन दिखाई देता है एट नाइट यू कैन सी द स्टार्स मून एंड समटाइम्स मे बी अ शूटिंग स्टार इसी तरीके से रात में यू कैन सी आपको दिखाई देंगे स्टार्स यानी तारे मून चंद्रमा और समटाइम्स कभी कभी शूटिंग स्टार टूटता हुआ तारा भी वॉट ऑफ द ऑब्जेक्ट कलेक्टिवली कार्ड और ये जितनी भी चीजें सन मून स्टार्स और शूटिंग स्टार ये क्या कहलाती हैं दीज आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स देर दैट वी सीन द स्कायर कलेक्टिवली कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़ वे सभी चीज़ें जो हमें आसमान में दिखाई देती हैं वे सम्मिलित रूप से सेलेस्टियल बॉडीज़ आकाशीय पिंड और हेवनली बॉडीज कहलाती हैं दे इनक्लूड इनमें शामिल हैं द स्टार्स यानी कि तारे प्लानिट्स ग्रह सैटेलाइट उपग्रह एस्टेरॉइड्स इट मीन्स शूद्र ग्रह इन्हें हम ग्रही काहें भी कहते मिटरोइड उल्का पिंड एंड कॉमेट्स कॉमेट्स इज पुच्छल तारा इसे हम धूमकेतु भी कहते हैं हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दीज सेलेस्टियल बॉडीज वर फॉर्म क्या आप कभी आपने सोचा है ये सारी आकाशीय पिंड आकाशीय चीज़ें कैसे बनी होगी जो भी चीज़ें हमें आकाश में दिखाई देती वो सब कैसे बनी होंगी तो इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक द यूनिवर्स द यूनिवर्स दैट इज़ ब्रह्मांड यानी कि पूरा लोक संसार अकॉर्डिंग टू मोस्ट एस्ट्रोनोमर्स एस्ट्रोनर्स मीन्स खगोलज्ञ वे व्यक्ति वे जिन्हें स्पेस या स्पेस में जो चीज़ें पाई जाती हैं उसमें इंटरेस्ट होता है और वो उसकी स्टडी करते हैं वह एस्ट्रोनॉमर्स कहलाते हैं the universe universe started with a gigantic explosion the big bang of a cosmic egg about 15 billion years ago ye jo hamara universe hai brahmand ye lagbhag iski shuruaat ek gigantic bahut hi vishal ka hai विस्फोट के साथ हुई थी जिसे बिग बैंग महाविस्फोट कहा जाता है Big, bang, hai, big cosmic egg. ऐसा माना जाता है कि हमारी पूरा ब्रह्मांड में जितने भी सन मून स्टार्स प्लैनेट्स सैटेलाइट्स एस्ट्रॉइड्स मेट्रॉइड्स ये सब पूरे एक पिंड के रूप में कॉस्मिक एक के रूप में एक साथ थे और लगभग फिफ्टी फिफ्टीन बिलियन ईयर्स एक गो लगभग पंद्रह अरब वर्ष पहले ऐसा एक विशाल का एक्सप्लोजन हुआ बड़ा धमाका हुआ महाविस्फोट हुआ जिससे ये सब चीज़ें स्कीटर्ड हो गई फैल गई एटम्स एंड लेटर मॉलिक्यूल्स व फॉर्म पहले परमाणु और बाद में अणु बने अल्टीमेटली फॉर्म अ जाइंट क्लाउड ऑफ गैसेस एंड टाइनी डस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड नेबूला और अंततः उन सब ने मिलकर एक विशाल बादल बनाया गैसेस का और टाइनी डस्ट बहुत ही सूक्ष्म धूल के कणों का जिसे हम नेबुला कहते हैं नेबुला को हम आकाश गंगा भी कहते हैं द नेबूला हैड अ स्पिनिंग मोशन एंड इट्स ओवन ग्रेविटी नेबुला की अपनी खुद की स्पिनिंग मोशन यानी कि लट्टू के जैसे अपनी ही प्लेस पर घूमने की प्रकृति होती है गति होती है एंड इट्स ओवन ग्रेविटी उसकी खुद का गुरुत्वाकर्षण होता है ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण यानी अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर जो कि हमारी अर्थ में भी है मिलियनस ऑफ स्टार्स टुगेदर मेक अ गैलेक्सी कई सारे स्टार्स मिलाकर एक गैला गैलेक्सी बनाते हैं यह You can see there are these are the celestial bodies. Look at this picture. There are many celestial bodies, many stars, uh, planets, satellites, dust particles, and many more things. Okay, these are celestial bodies. Now, to, so we were reading millions of stars together make a galaxy. कई सारे स्टार्स एक साथ एकत्रित होकर गैलेक्सी बनाते हैं सेवरल मिलियन गैलेक्सीज मेक अप द यूनिवर्स और इसी कई सारी मिलियंस कई हजारों लाखों गैलेक्सी मिलकर यूनिवर्स बनाती है देखिए यू कैन सी दिस इज यूनिवर्स देर आर मेनी गैलेक्सीज यू कैन सी दिज आर सो मैनी गैलेक्सीज विच आर शोन लाइक दिस फ्रॉम स्पेस इमेज ओके दिस इज़ आवर गैलेक्सी दिस इज आवर गैलेक्सी इट्स नैम इज मिल्की वे आकाश गंगा एंड दीज आर दीड नेक्स्ट टॉपिक द यूनिवर्स इज स्टील एक्सपॉन्डिंग एज न्यू स्टार्स आर बींग बॉन्ड जो यूनिवर्स है स्टील एक्सपॉन्डिंग आज भी एक्सपॉन्ड होता जा रहा है कई सारे न्यू स्टार्स बींग बॉन्ड नए नए तारे पैदा हो रहे हो रहे हैं यूनिवर्स में डू यू नो द नेम ऑफ द गैलेक्सी विच अवर सोलर सिस्टम बिलोंग्स क्या आपको पता है जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है सन है मून मून ऐसे कई सारे प्लेनेट्स और सैटेलाइट्स है वो कौन सा कौन सी गैलेक्सी है इट इज़ कॉल्ड आकाश गंगा और द मिल्की वे इस गैलेक्सी का नाम आकाश गंगा और मिल्की वे है ऑन अ क्लियर नाइट किसी भी साफ रात्रि में साफ रात्रि का मतलब जब कोई बादल नहीं हो आकाश बिल्कुल क्लियर हो यू माइट बी एबल टू सी द आकाश गंगा आपको आकाश गंगा दिखाई दे सकती है इट अपियर्स एज अ फैंट बैंड ऑफ लाइट अक्रॉस द स्काई और यह बहुत ही हल्का धुंधला सा एक धारी जैसा दिखाई देता है द uh, स्काई पूरे लाइट की uh, एक कमजोर सी धुंधली सी धारी जैसी दिखाई देती है आकाश के अंदर कनेक्टिविटी टू जियोग्राफी दिस टॉपिक एडविन हब्बल एडविन हब्बल कौन थे एडविन हब्बल पायोनियर ऑफ बिग बैंग थ्योरी एडविन हब्बल बिग बैंग थ्योरी के निर्माता थे मेड द ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये निरीक्षण किया दैट द यूनिवर्स ही यूनिवर्स इज़ कंटिन्यूस एक्सपॉन्डिंग उन्होंने ये निरीक्षण किया ऑब्जर्व किया कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो निरंतर एक्सपॉन्ड होता जा रहा है विस्तृत होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है एंड दस द डिस्टेंस हैज़ बीन इंक्रीजिंग मोर एंड मोर बिटवीन क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज और इस प्रकार से हमारे यूनिवर्स के विस्तार की वजह से फैलने की वजह से जो गैलेक्सीज़ का क्लस्टर है समूह है उसके बीच में डिस्टेंस बढ़ती जा रही है यू कैन सी हियर हियर यू कैन सी दिस इज अवर आकाश गंगा एंड दिस इज नेबुला आई ऑल्सो शो यू द पिक्चर ऑफ अवर आकाश गंगा दिस इज दिस इज अवर गैलेक्सी दिस इज ऑल्सो नॉन एज मिल्की वे ओके नाउ नॉ नेक्स्ट टॉपिक द स्टार्स द स्टार्स स्टार्स आप सभी जानते हैं स्टार्स का मतलब है तारे स्टार इज अ हेवनली बॉडी दैट इज सेल्फ ल्यूमिनियस स्टार एक आकाशीय पिंड है जो सेल्फ यानी हमने स्वयं के ल्यूमिनियस स्वयं चमकता है स्वयं के प्रकाश से चमकता है दैट इज शाइन्स बाय इस ओवन लाइट यानी अपनी स्वयं की आप मून देखा होगा मून रात्रि के आकाश में चमकता हुआ दिखाई देता है लेकिन वो अपनी स्वयं की लाइट से नहीं चमकता है वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है लेकिन जो ऑल द स्टार्स आर ल्यूमिनियस ऑफ देयर ओवन लाइट ओके स्टार्स आर वेरी बिग सेलेस्टियल बॉडीज स्टार्स बहुत बड़े आकाशीय पिंड होते हैं दे लुक स्मॉल लेकिन जब आपने देखा होगा रात में तारों को ट्विंकलिंग करते हुए स्टार्स को ट्विंकलिंग करते हुए बहुत ही छोटे छोटे दिखाई है देते हैं ऐसा क्यों है बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस क्योंकि वे हमसे बहुत बहुत अधिक दूर है द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ और हमारे अर्थ के सबसे नज़दीक जो तारा है उसका नाम सन है द स्टार्स आर मेड अप ऑफ बर्निंग गैसेज ये जो स्टार्स हैं ये बर्निंग जलती हुई गैसेज से बनते हैं नैक्स्ट इज कॉन्स्टलेशन कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है तारों का समूह तारागण आपने अक्सर आकाश में देखा अगर हम देर तक आकाश में देखते रहें तो हमें लगेगा कि कुछ तारे एक अलग ही आकृति बना रहे हैं ओके तो ये जो आकृति बनती है इसे हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं इफ़ यू वॉच देखो पढ़ते हैं इफ़ यू वॉच इफ यू वॉच The नाइट sky क्लोजली यदि आप रात के आकाश को बहुत ही ध्यान से देखेंगे यू कैन सी क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स आपको तारों के कई सारे झुंड दिखाई देंगे समूह दिखाई देंगे क्लस्टर्स समूह दीज ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड constellations. और ये जो तारों के समूह हैं क्लस्टर्स इन्हें हम constellation, तारागण तारों का झुंड कहते हैं ए कॉन्स्टलेशन मेंव जस्ट टेन स्टार्स फोर और समटाइम्स मोर देन अ मिलियन स्टार्स किसी भी कॉन्स्टलेशन में दस या तो दस तारे हो सकते हैं और समटाइम्स कभी कभी अब मिलियन स्टार्स मिलियन से भी ज़्यादा यानी कि लाख लाखों तारे हो सकते हैं देर आर एटी एट कॉन्स्टलेशन नॉन फार अब तक अट्ठासी कॉन्स्टलेशन है जिन्हें हम जानते हैं यू कैन सम ऑफ़ समीज विथ नेक्ड आईज और इनमें से कुछ तो हम अपनी सामान्य आंखों से भी अगर बहुत ध्यान से आकाश में देखें वी कैन आइडेंटिफाई देम लाइक द उर्सा मेजर, ओरियन स्कॉर्पियोज कैनिस मेजर मेजरटोरस एटसेट्रा दिज आर द नेम ऑफ अवर ओके हियर यू कैन सी दिस इज ओरियन दिस इज ओरियन यू कैन सी

Capricorn and many more. There are such 88 constellations known, and these you can identify this picture. These are stars, okay. And this is our galaxy, its name is Milky Way or Akash Ganga. This is the cosmos, this is our universe, which is full of many galaxies. Okay, I hope you all understand this chapter. Okay, this is your homework, you have to do. एक्सरसाइज वन विच इज एमसी क्यूज वन थ्री फोर्थ ये जो मैंने होमवर्क दिया है वो अब तक जितना पढ़ाया है उसी में से है सो यू विल फिल योर बुक एंड सेंड मी द पिक्चर्स एक्सरसाइज बी थ्री एंड फोर्थ क्वेश्चन यू हैव टू डू एक्सरसाइज सी वन और फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज ई क्वेश्चन फोर एंड क्वेश्चन एक्सरसाइज ए क्वेश्चन वन टू थ्री दीज आर क्वेश्चन आंसर्स ओके इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन Ask me. Okay, thank you. Have a nice day.